अरे सर, आप क्या हाल हैं आपके? अवतीनो हजरा, दिस इज आवर होटल रूम, स्वीट, वेरी स्वीट, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई, अंतालिया की एक जगह जिसका नाम है कोनियाल्टी बीच, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। और दानी भाई, हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं? सर, ये एक 5-स्टार होटल है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। होटल का नाम क्या है, इसके प्राइस क्या है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेंगे। लेकिन मसला ये है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, 3 रातों से हम लोग यहाँ पे, और हमारे काफ़ी सारे प्लान्स थे कि अंतालिया आके हम लोग ये करेंगे, लेकिन हम लोग इस होटल से बाहर ही नहीं निकल सकते, स्टक हो गए, नहीं निकल सकते। और इस ना निकलने की वजह क्या है, रीज़न क्या है सर, वो आपको इस वीडियो में दिखेंगे, तो चेक कीजिए। हमारे इस होटल में खाना बिल्कुल मुफ्त है, खाना नहीं, बहुत सारा खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, हाई टी, डिनर, और बीच में भी बहुत सारा खाना मिलता है। तो मतलब बेशुमार खाना, खाना ही खाना सर। खाने के साथ साथ पीने की भी फैसिलिटी मौजूद है, जैसे कि पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, और खुदा ना खास्ता अगर आप भटक गए तो वो वाली ड्रिंक्स भी मौजूद है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इतना सारा खाना पीना करने के बाद पता है क्या करना होता है आपको? आपको उसको हज़म करना होता है, उसको जलाना होता है, जिसके लिए जिम की ज़रूरत है, फिटनेस की ज़रूरत है। और क्या जिम है सर, क्या बात, जो बंदा जिम नहीं भी जाता ना वो भी जाएगा यहाँ पे, पाप जिम सर। और जिम करने के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ मज़ा देती है ना, वो होता है स्विमिंग पूल में स्विमिंग। मतलब आप आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। आउटडोर स्विमिंग पूल भी है, इंडोर स्विमिंग पूल, जो आपको पसंद हो, मतलब आपकी सवाबदीद पे। यहाँ पर इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मौजूद है, पूल जो कि बेहतरीन गेम है, और इसके साथ साथ मेरा फेवरेट गेम टेबल टेनिस भी यहाँ पर मौजूद है सर। यहाँ पे स्पा, हमाम और सलोन जो कि लड़के और लड़की दोनों के लिए फैसिलिटी मौजूद है। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सोच समझ के आना, इट्स अ ट्रैप, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो आप फिर जा नहीं पाएंगे। जिन लोगों को धूम धड़क्का का शौक़ है, पार्टी का शौक़ है, नाचने गाने का शौक़ है, उनके लिए यहाँ पर नाइट क्लब की फैसिलिटी भी मौजूद है। जी हाँ, नाइट क्लब। सर क्या खूबसूरत लॉबी है, मतलब यहाँ पे आप घंटों बैठ सकते हैं, जैसे कि मैं बैठा हूँ, चिल कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने काम से काम ज़रूर रखिएगा, यहाँ वहाँ ज़्यादा मत देखिएगा, समझते ना। हमारा ये 5-स्टार होटल जो है ये कोनियाल्टी बीच पर वाक़ है, तो बीच बिल्कुल साथ लगता है, इनका अपना प्राइवेट बीच है। लेकिन सर, आपको बीच पर जाने के लिए भी होटल से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि होटल का अपना एक टनल है, उस टनल में से गुजर के जाएंगे और एकदम बीच आ जाएगा। वहाँ पर भी ड्रिंक्स फ्री हैं, चिल करें, क्या खूबसूरत बीच है सर। होटल का अपना व्यू इतना खूबसूरत है जो कि एक ट्रैप है, लेकिन इससे भी बड़ा ट्रैप जो है वो आपके रूम में वेट कर रहा होता है। क्योंकि अगर आपके रूम का व्यू बड़ा सेस्की है तो आप रूम से ही बाहर नहीं निकल सकते, होटल से तो बाद में बाहर निकलेंगे, और व्यू आप खुद चेक कर सकते हैं। 840 आठवें फ्लोर पर हमारा ये रूम है, स्वीट है, 2 कमरे हैं, और अब आपको दिखाते हैं कितना नेक्स्ट, कितना आलीशान है। ये जाहिर सी बात है, आलीशान ट्रेवल्स की तरफ से हमें दी। सबसे पहले हम गुसल खाने से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले तो ये रूम है, ठीक है, पहले तो ये है कितना कुशादा वसी कुशादा, और एयरपोर्ट से 50 मिनट की ड्राइव पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल, ये देखो, ठीक है, ट्विन बेड, एंड देन यहाँ से आओ, अरे क्रॉस कर लो, दिस इज अ ब्यूटिफुल बाथरूम वी हैव, ह्यूज, गुड, स्पेशियस, and then another room, my room, king size bed, और खूबसूरत सा view, लेकिन view अभी नहीं दिखाएंगे, rooms दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा suite है ये, कितना बेहतरीन है। साथ में इन्होंने इस तरह के amenities भी दिए हुए हैं जो कि इसमें wet wipes हैं, masks हैं, disinfectant हैं, ठीक है, and ये closet है, ठीक है, ये sofa है, ये TV है, ये मैं हूँ, इस कैमरे के पीछे मानी है, और इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे बेहतरीन पॉइंट इस रूम का, जो समझो जो जो क्रक्स है ना, जो हार्ट है, वो ये है, ये व्यू। हम आए हैं सिर्फ इस व्यू की वजह से, और ये रूम हमने लिया है इस व्यू की वजह से। दिस इज द व्यू ऑफ एंटायर अंतालिया, अंतालिया का ये इलाका है जिसको कहते हैं कोनियाल्टी। इस बीच का नाम भी कोनियाल्टी बीच है, इट्स वेरी पॉपुलर, वेरी ब्यूटिफुल, एंड लुक एट दिस, उस तरफ ओल्ड टाउन लगता है, ठीक है, और ये पूरा बीच, और ये हमारी रिहाइश का है अगले 3 रातों के लिए, जिसका सारा क्रेडिट जाता है आलीशान ट्रेवल्स को, शुक्रिया,
सीन आलिशान है सर। तो जनाब वीडियो में आपने रीजंस देखे, सारे रीजंस देख लिए और अब रिवील करना है। एंटिसिपेशन इस बात की होगी आपकी कि यार नाम क्या है और पैसा कितना है, पैसा कितना। नाम आप देख सकते हैं पोर्टो बेलो होटल और फाइव स्टार होटल और पैसे दंगल रहे आप बताओ। सर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हमारे रूम रेट में और रूम है हमारा पर नाइट 10,000 मतलब 5,000 पाकिस्तानी पर PKR पर पर्सन। यानी कि हम दोनों ने एक रूम लिया तो हमें 10,000 रुपीज़ का पड़ा और 10,000 में ये सारी फैसिलिटीज मिली, सारे खाना शाना एवरीथिंग। तो सोचो फाइव स्टार होटल इन 5,000, वाओ क्या बात क्या बात है। और अगर ये होटल आपको बुक करवाना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग booking.com या किसी और वेबसाइट से ना करें, आप करवाएं आलिशान ट्रैवल से, क्योंकि उन्होंने ये हसीन ट्रिप हमें दिया है यहाँ पे इस होटल का स्पेशली। और न्यू ईयर पर एक बेहतरीन किस्म का ट्रिप आ रहा है, इसी तरह से अंतालिया का बदो किया तो अंतालिया में वो लोग मोस्ट प्रोबेबली इधर ही स्टे करवा रहे हैं, यहीं करवा रहे हैं। क्या बात है सर, आपने चांस मिस नहीं करना, आपने फटाफट बुकिंग करनी अपने न्यू ईयर के लिए, क्योंकि टर्की खुला है तो भाई इसका फायदा उठाए, दुनिया बंद पड़ी है और कुछ नहीं पता कब बंद हो जाता है, खुदा ना खास्ता। सो या इट्स टाइम टू बुक योर ट्रिप्स। और ये था हमारे इस होटल का आलिशान रिव्यू। थैंक यू सो मच, खुश रहें, खाते पीते रहें, हंसते आते रहें, टर्की आते रहें। फ़ियमान अल्लाह।